बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी नूरुल हुदा एंड आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ डिलीशियस मज़ेदार चटपटी सी बीफ किडनी। आई थिंक थोड़ा सा सुन के वियर्ड लग रहा होगा, बट बहुत से लोग ये खाना पसंद करते हैं, प्लस मी, मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इतना हम इसको मज़ेदार स्पाइसी सा बनाएंगे चटपटा करके कि इसके अंदर किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी, कोई हीट नहीं आएगी। बस ये है कि चंद स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं ताकि इसमें से किसी किस्म के भी पकने के बाद कोई भी स्मेल वगैरह कुछ भी ना आए। तो रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बट अगर आप सब मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें, इससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है ना, हमने यहाँ पर आधा किलो बीफ किडनी ले ली है। इसको मैंने बिल्कुल बाइट साइज़ में कट करवा लिया था, ये देखें। और अच्छे तरीके से ना मैंने इसको पानी और सिरके के साथ ना मैंने इसको वॉश कर लिया था। लाजमी आपने इसको वॉश करना है पानी और सिरके के साथ, ताकि इसकी जो जो डर्ट वगैरह है, स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दो अदद मीडियम साइज़ के प्याज है, इनको मैंने रफली कट कर लिया था। तीन अदद हमारे पास लार्ज साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा जो है वो कट कर लिया है। और इसके साथ हमारे पास है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन तीन खाने के चमचे। ठीक है, तीन खाने के चमचे हमारे पास हो गया जी अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ ही मेरे पास है ऑलिव ऑयल, तकरीबन आधा कप। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही हमारे पास है जी एक चौथाई कप सेब का सिरका। ठीक है, ये आपने इसके अंदर लाजमी से ऐड करना है। वाइट विनेगर मैं पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप कोई भी फ्रूट विनेगर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में फ्रूट विनेगर्स मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक चाय का चमचा नमक था और आधी चाय का चमचा हमारे पास है जी हल्दी पाउडर। और इसके अलावा हमारे पास है दो चाय के चमचे यानी कि 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। साथ में हमारे पास है जी 1.5 चाय का चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून हमारे पास है जी लाल मिर्च पाउडर। और इसके अलावा जो है ना मेरे पास 1 चाय का चम्मच भर के धनिया पाउडर मौजूद है। ठीक है, रोस्टेड कोरिएंडर पाउडर ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और साथ ही मेरे पास है जी ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, ये भी बिल्कुल हमने लास्ट पे ऐड करना है, ये हम बनाते हुए ऐड नहीं करेंगे, जब हम इसकी भुनाई करेंगे जब ऐड करना है। इसके अलावा मेरे पास है जी 12 से 15 अदद हरी मिर्चें। और इसके अलावा मेरे पास है तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे अदरक, मैंने इसको जूलियन कटिंग में यानी कि लंबा लंबा मैंने इसको कट कर लिया था बारीक बारीक। तो चलिए इसको जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया जी, एक पतीली के अंदर जो है ना आपने पानी ऐड करना है। तो जी पानी जैसे ही हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे गुर्दे। आपने ये प्रोसेस लाजमी करना है ताकि जो भी गुर्दे में से स्मेल वगैरह है, जो भी इसका कचरा है, डर्ट है, फालतू, वो सारा कुछ निकल जाए। तो तकरीबन आपने इसको 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट से ज़्यादा आपने इसको जो है ना बॉयल नहीं करना, कुछ इसके अंदर आपने ऐड नहीं करना, जस्ट आपने इसको नॉर्मल टैप वाटर के अंदर बॉयल कर लेना। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ऊपर इसकी जो डर्ट है वो बननी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बस आपने इसको थोड़ा मिक्स कर देना है ताकि ये इवनली अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। और जैसे ये बॉयल होंगे तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रेनर में निकाल के जो है वो साइड में रख देंगे। ओके, तो जी हमने गुर्दों को अच्छे तरीके से बॉयल करके जो है वो छन्नी में साइड पर रख दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, प्रेशर कुकर के अंदर डालना है हमने ऑयल, गरम करने के बाद उसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। और प्याज डालने के बाद जो है ना उसको आपने कर लेना है फ्राई। आपने इसको इतना प्याज को जो है ना बस इतना फ्राई करना है कि हल्की सी ना सॉफ्ट हो जाए। मैं भी आपको दिखाती हूँ, इसका कलर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट इसको हल्का सा आपने जो है वो सॉफ्ट कर लेना है।
जी, तो प्याज आप लोग देख सकते हैं हमारी फ्राई हो चुकी है। जस्ट आपने इतना ही इसको फ्राई करना है, इसके बाद आप इसमें डाल दें गुर्दे। एंड गाइस प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये गुर्दों के अंदर जो है ना पानी का जो इनटेक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ये ऑयल के अंदर जाते हैं ना ये पॉप अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे खुद बहुत बुरी तरीके से छींटे आई थी। तो प्लीज़ चूल्हा बिल्कुल बंद करके इसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से पहले भून लीजिएगा। बाद में जब इसकी ये पुटुक पुटुक बंद हो जाए ना, तो उसके बाद ही जो है ना आपने इसके अंदर लहसुन ऐड करना है। चूल्हा जलाएं, लहसुन ऐड करें और इसके अंदर आपने साथ में जो है ना, जैसे आप इसके अंदर गुर्दे ऐड करें आपने इसके अंदर सिरका भी ऐड कर देना है। हम पहले हाफ सिरका ऐड करेंगे, उसके बाद अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे, देन हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे जो कि मैंने कर दिया है, और इसके बाद अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। पानी ऐड करते रहें इसको, आपने बिल्कुल इतना अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि प्याज इसके अंदर बिल्कुल हल हो जाए। तो इसका जो पानी है सारा वो आपने ड्राई कर लेना है, बिल्कुल आपने मीडियम टू लो आँच के ऊपर बस आपने भूनना है इसको, याद रहे। ये इसका जो थोड़ा सा प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अगर आप इसको तेज़ आँच पे करेंगे ना तो उससे ये होगा कि मतलब किचन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुर्दों में वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गुर्दों में पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ये ऑयल में जाते ही पॉपअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। तो अभी आप लोगों ने देखा हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, और इनको जो है ना आपने अच्छे तरीके से भूनना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर नमक, हल्दी, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, और साथ ही आपने धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड करना है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। तो गाइस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके जो है ना आपने इसको इतना ज़्यादा भून लेना है कि इसका जो भी मतलब कि एक्सेस ऑयल वगैरह है वो सारा ऊपर आ जाए, और इसके अलावा जो है ना जो भी हमारे मसाले का जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। काफ़ी सारा आप इसको भूनें। इसके जो टमाटर और प्याज है ना वो आपने बाकी का मसाले वगैरह ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर करके आपने इसको ख़त्म कर देना है। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है ना वो ऊपर आ रहा है, तो बस आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहें। चमचा आपने इसके अंदर चलाते रहना है, क्योंकि अगर हमने इसको छोड़ा तो ये जो है ना नीचे लग भी सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट पानी ड्राई होने वाला है। तो जी इसके अंदर जो है ना मैं 1 कप डालूंगी पानी और इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें 1/4 कप मज़ीद पानी ऐड करूंगी, और आपने क्या करना है इसको बॉयल कर लेना है, और आपने इसको लगा देना है तकरीबन जस्ट 4 मिनट की आपने सीटी इसको लगानी है, यानी कि वेट लगा देना है प्रेशर कुकर की लिड बंद करके। आप देख सकते हैं कि इसके जो फॉर्म है वो बिल्कुल पहले जैसी हो गई है, लेकिन जो इसकी ग्रेवी है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है प्रेशर लगाने की वजह से, और जो गुर्दे हैं वो भी अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब आप क्या करेंगे, आपने जो है ना हाई फ्लेम के ऊपर जो है ना इसके अंदर आपने दही ऐड करना है, तकरीबन 3 खाने के चमचे, यानी कि 3 टेबल स्पून आपने इसके अंदर दही ऐड करना है, और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। याद रहे दही हमेशा हाई फ्लेम पर डाला करें, अगर हल्की आंच करके अगर आप दही डालेंगे तो उससे क्या होगा इसके अंदर जो है वो फुटकियाँ बन जाएगी, यानी कि लम्ब्स बन जाएंगे। तो अब आपने जो है ना हाई फ्लेम करके अच्छे तरीके से बस आप इसको इसकी भुनाई कर लेंगे। इसका ऑयल जो है वो आपको शुरू में लगेगा कि कम है, लेकिन आपने इसके अंदर ऑयल अभी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑयल जो है ना बाद में ये रिलीज़ कर देगा। बस आपने ये है कि इसको अच्छे तरीके से ना आपने इसको मिक्स करते रहना है, नीचे ये लगे ना।
ओके सो एज़ यू कैन सी बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो गया है। और आपने क्या करना है इसके अंदर, इस स्टेज पर जो है ना आपने हरी मिर्च और अदरक जो है ना आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। हरी मिर्चों को मैंने क्या किया था, थोड़ा सा ना ऊपर की साइड से ना मैंने इनको हल्का सा कट लगा लिया था ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो हमारी डिश के अंदर आ जाए। और थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने इसके अंदर और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद इसके अंदर जो है ना वो ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया था, बस उसकी क्लिप मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरी कॉल आई हुई थी, सो दैट्स वाई। अच्छा जी, तो इसके अंदर जो है ना बस आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से भून के आपने इसके अंदर ज़ीरा ऐड करना है और बाद में जो है ना आपने इसके अंदर थोड़ा सा तकरीबन 1/4 कप पानी डाल के आपने इसको दम पे रख देना है हल्की आंच पे और इसके बाद आप इसको डिश आउट कर लें। तो ये मैंने इसके अंदर अभी अभी ऐड किया है जी मक्खन तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। बेसिकली मैंने मार्जरीन यूज़ किया था, आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना वो जो मक्खन होता है ओरिजिनल वाला वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे मार्जरीन का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है खानों में तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। तो ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं, अगर इसके अंदर कसर बाकी हो यानी कि इस तरीके से ये ना टूट रहा हो आप इसके इसको जो है ना मज़ीद 1 से 1.5 मिनट की सीटी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस से बीफ किडनी की रेसिपी रेडी हो गई है, बहुत मज़े की चटपटी सी रेडी होती है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल जो है ना ड्राई कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसको एज अ टिक्का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट करता है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे कमेंट करके बताएं मेरी रेसिपी आपको आज की जो है वो कैसी लगी है। और साथ ही साथ अगर आपसे मेरे चैनल पर आए हैं न्यू तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वापस जाइएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें, इससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।